फेयर प्राइस शॉप, ऐसे कहते हैं राशन शॉप या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट, ये होते हैं गवर्नमेंट की शॉप जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड जैसे कि गेहूँ है, चावल है, केरोसिन ऑयल है, वो प्रोवाइड करता है। तो फेयर प्राइस शॉप का दूसरा नाम राशन शॉप भी है। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट हैं जिन पर फेयर प्राइस शॉप इज ए गवर्नमेंट रेगुलेटेड रिटेल आउटलेट, ये गवर्नमेंट के अंडर है, मतलब गवर्नमेंट ही है इनकी मालिक, क्योंकि सारे चीज़ें वहीं गवर्नमेंट से ही आती हैं। पहले गवर्नमेंट सब चीज़ें खरीदती है फार्मर्स से, जैसे कि राइस है, वीट है, गेहूँ है, तो वो खरीदेगी, फिर उसे कम रेट पे गरीबों को देगी। तो किसके थ्रू देगी? इन दुकानों के थ्रू देगी। मतलब कहाँ से लेंगे वो? राशन की दुकानें हैं, तो राशन की जो दुकानें गवर्नमेंट की हैं वो फेयर प्राइस शॉप हैं। फेयर प्राइस शॉप इज ए गवर्नमेंट रेगुलेटेड रिटेल आउटलेट दैट सेल्स इसेंशियल कमोडिटीज जैसे कि फूड ग्रेन है, शुगर है, चीनी भी मिलती है वहाँ, केरोसिन है, एट सब्सिडाइज्ड रेट टू एलिजिबल कंज्यूमर, जो BPL में है, बिलो द पॉवर्टी लाइन है, उन्हें एक कार्ड मिलता है। उस कार्ड पे उन्हें हर महीना चीज़ें मिलेंगी, जैसे कुछ किलो गेहूँ मिलेगा, चीनी मिलेगी, केरोसिन ऑयल मिलेगा। तो ये हैं फेयर प्राइस शॉप या राशन की दुकानें जो गवर्नमेंट की हैं, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट कम दाम में राशन बेचती है गरीबों को, BPL बिलो द पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उन्हें, उनके पास जो राशन कार्ड है उस बेस पर लोगों को गेहूं, चीनी और केरोसिन ऑयल प्रोवाइड कराना मंथली बेसिस पे या कुछ मंथ के इंटरवल पर। तो फेयर प्राइस शॉप एक गवर्नमेंट रेगुलेटेड रिटेल आउटलेट है, मतलब गवर्नमेंट ही इसकी देख रेख करती है, जहाँ पर दैट सेल्स इसेंशियल कमोडिटी जैसे कि फूड ग्रेन, अनाज, शुगर एंड केरोसिन एट सब्सिडाइज रेट मतलब कम रेट पर, जैसे कि चीनी मिलेगी 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, बाजार में मिल रही 40 रुपये किलो। तो ये होगी सब्सिडाइज रेट। किन लोगों को? हर किसी को नहीं, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, जिनके पास वो राशन कार्ड है BPL वाला, उन्हें मिलेगा ये हर महीने। फेयर प्राइस ऑफ कंट्रीब्यूट टू सोशल वेलफेयर, ऐसा किस लिए किया जा रहा है? सोशल वेलफेयर मतलब सोसाइटी में जो गरीब हैं वो नहीं इतना कमाते हैं, तो उन्हें कम रेट पर चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए, बाई प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल स्टेबल टू लो इनकम हाउस होल्ड, मतलब जिनकी इनकम कम है तो वो महंगी चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे, तो उन्हें कम दाम पर वो चीज़ें प्रोवाइड कराना। दस एड्रेसिंग इशू ऑफ फूड एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, मतलब फूड तो हर किसी को अवेलेबल हो ही जाए, इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाई गई ये दुकानें। फेयर प्राइस ऑफ जो दुकानें हैं ये गवर्नमेंट के अंडर हैं, गवर्नमेंट रेगुलेट करती हैं, गवर्नमेंट यहाँ पर कम दाम में अनाज को जो उन गरीब लोगों को बेचती है जो जिनकी इनकम बहुत कम है या जो BPL में है, बिलो द पॉवर्टी लाइन आते हैं, उनके पास वो राशन कार्ड है BPL वाला, तो उन्हें हर महीना ग्रेन मिला फूड देना, मतलब जैसे कि गेहूँ या राइस देना, शुगर भी है और भी चीज़ें कुछ हैं जैसे कि केरोसिन ऑयल है, तो ये मिलती है सब्सिडाइज रेट पर, सब्सिडाइज रेट मतलब मार्केट से कम रेट पर, काफ़ी कम रेट पर। इससे फ़ायदा ये है कि उन्हें कम रेट पर अनाज मिल जाएगा और फिर वो उनका काम तो चल ही जाएगा। तो फेयर प्राइस शॉप का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की दुकानें जो कम दाम पर अनाज को गरीबों को प्रोवाइड कराती हैं वो है।